स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में मैं इंडिसेशन सर्च का नेक्स्ट पार्ट यानी कि 40 नंबर सवाल से लेकर आया हूं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों मैं इस चैनल पर एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं और आपका सगीर अहमद बुक का ये जो क्वेश्चन चल रहा है लगातार कंटिन्यू चल रहा है, एक भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं किया हूं अब तक, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है और आगे भी आपका इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन यानी कि प्रेस कर देना घंटी जो है, ताकि आपको जब जब मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते 40 नंबर सवाल। देखिए कितना अच्छा सवाल है और आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बता चुके हैं हम पिछले पार्ट में, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। लिखा है 125 पर पावर दे दिया है आपका 1/3, ठीक है। और उसके बाद दिया है माइनस 343 पर पावर दिया है आपका 1/3, ठीक है। और फिर प्लस दे दिया है आपको 64 पर पावर दे दिया है 1/3, ये क्वेश्चन है। और बोल रहा है इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको। क्या बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि आपको जो ये 3 है ना, इसको ऐसा लिखो कि ये 3 हमारा कट जाए अगर संभव हो तो। तो देखो ध्यान से, 5 का क्यू लिख सकते हैं और गुना लगा सकते हैं यहाँ पे 1/3, बिल्कुल 5 का क्यू 125 के बदले 5 का क्यू लिख दिए और फिर माइनस लगा दो 343 किसका क्यू, 7 का क्यू 343 और गुना 1/3 लगा दो। अब प्लस 4 का क्यू कितना होता है 64 गुना 1/3 लगा दो। अब देखो ध्यान से, 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 5 माइनस 7 प्लस 4, ठीक है। 5 4 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा और 2 आपका आंसर होगा और 2 नंबर है आपका ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब ध्यान से देख लो, अगर आपको पता था ये 5 का क्यू है 3 कट ही जाएगा तो हम डायरेक्ट 5 ही लिखते, या 7 का क्यू है कट ही जाएगा तो 7 ही लिखते माइनस, और ये 4 का क्यू है तो हम डायरेक्ट 4 ही लिखते प्लस 4, 5 4 9 माइनस 2 7। और ये काम आप अपना माइंड से देख के सोचो, आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो काफी आसान था और आपको कलम नहीं चलाना है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि 3 हम अगर कटाना चाहते तो 5 बार में ये 5 आएगा और ये कितने बार में 7 का क्यू, 3 कट जाएगा 7 आएगा और ये 4 आएगा और इसको जोड़ दो एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आएगा आपका मान, देख लो एक्स बराबर 2। तो काफी आसान क्वेश्चन था, आपको इस तरह के क्वेश्चन को बना लेना इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। देखिए 41 की बात करें तो ये भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बना सकते हो। क्या कहता है, 2 पर पावर m है और पर पावर आपका फिर m दे दिया और फिर इक्वल टू लिखा है आपको 512 दिया हुआ है मान, ये ना दिया है आपको। क्या बताए हैं कि हमेशा सोचना है हमारा आधार बराबर करना है, ठीक है। और इसमें हमको वो मान क्या मांगा है, m का मान मांगा है। अगर m का मान मांगा है तो ध्यान से समझो क्या सूत्र बताए थे, एक ए टू दी पावर m पर पावर अगर n होता है तो ए टू दावर m गुना n होता है ना। अगर यहाँ m m ही है तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 2 पर पावर ये m का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 512 को 2 में अगर हम तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 9 होता है 512 और ये आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर 9 टाइम आप 2 2 2 2 गुना करेंगे ना तो 512 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब बेस दोनों बराबर हो गया तो हमको m का मान चाहिए ना, तो m का स्क्वायर बराबर कितना आया, 9 आया, यानी कि m का स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो m बराबर कितना हो जाएगा, इस स्क्वायर को उस पर भेज दो तो √9 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 3। तो 3 आंसर आपका 2 नंबर दिया हुआ है। तो क्या था क्वेश्चन में, जान नहीं था, आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। देखिए 42 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है कि जब भी बराबर दे, सब बात अगर बराबर में दे, 4 पे पावर x बराबर 5y बराबर 20 पे पावर z, यानी कि इस तरह का दिया रहे तो आप हर एक को अलग अलग करके मान लेना। क्या करना है, 4 पे पावर x को मान लीजिए k, जनरली सबको यही मानता है इसको, 5y पर पावर भी k मान लेना और क्या दिया आपको 20 पर पावर z बराबर k मान लेना। अब ध्यान से समझो, अगर हम 4 सिर्फ रखें, क्योंकि हमको यहाँ पे 4 गुना 5 करते तो 20 पूर रहा है, तो हमको x उधर भेजना होगा और हम आपको बताए थे अगर कभी भी x पावर इधर रहे, मान लिया a पर पावर x तो a पर पावर 1/ आपका वो x होता है ना। तो इसका मतलब ये 1/ इधर चल क्या हो जाएगा, 4 आपको हम इस तरह से समझा सकते हैं यहाँ पे कि आगे चल के ये उस पार जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो इसी तरह लिख लो 4 बराबर k पर पावर 1/x, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 5 बराबर k पर पावर y 1/y और फिर हो जाएगा आपका 20 बराबर
के पर पावर वन बाय जेड ये लिखा जाएगा। अगर लिखा जाएगा तब ध्यान से देखो, हमको चूंकि जेड निकालना है तो हम क्या करते हैं, चार गुना पांच करते हैं तो बीस होता है, बराबर बीस हो रहा है ना। इसका मतलब हम इसके चार वाला टर्म को लिख सकते हैं के पर पावर वन बाय एक्स, और गुना लिख सकते हैं पांच पे पावर यानी कि के पर पावर वन बाय वाई, और बराबर बीस वाले टर्म को लिख सकते हैं के पर पावर वन बाय जेड। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ध्यान से देखो ये क्या होगा, जुट जाएगा ना, यानी कि के नीचे बराबर है तो ए टू दी पावर एम गुना ए टू दी पावर एन क्या होता है, ए टू दी पावर यानी कि के पर पावर हो जाएगा एक्स प्लस वन बाय वाई, ठीक है, और इधर हो जाएगा के पर पावर वन बाय जेड। इसका आप क्या करो, एलसीएम ले लो, एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का, एक्स को एक्स से भाग तो वाई बचेगा तो यहाँ वाई लिखेंगे, वाई को वाई से भाग तो एक्स बचेगा तो यहाँ एक्स लिखेंगे, और बराबर लिख देंगे वन बाय जेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर के पर पावर, अब ध्यान देखो ये तो के था, के तो खत्म हो गया, तो क्या बचा ये बता, जेड निकालना हमको, सिर्फ जेड, तो ये पलट जाएगा तो जेड बराबर हो जाएगा आपका y यानी कि एक्स वाई ऊपर चल जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा यानी कि y प्लस एक्स, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप अगर यहाँ नहीं समझ रहे तो फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, इस जगह को y प्लस एक्स लिखा हुआ है ना तो y प्लस एक्स लिख दिए ब्रैकेट में, ठीक है, और बटे नीचे एक्स वाई लिखा है ना, एक्स वाई लिख दिए, और बराबर लिख दिए हैं वो एक बटा जेड, इसको इधर गुना करो इसको इधर गुना करो तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू वाई प्लस एक्स बराबर एक्स वाई, ठीक। अब क्या करना है, हमको निकालना क्या है, हमको जेड निकालना, तो जेड बराबर क्या लिखा जाएगा, एक्स वाई बटे वाई प्लस एक्स, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन इतना लॉन्ग नहीं है, आपको सीधा यही माइंड में सेटअप करना है। आंसर तो आपका यहीं पे आ सकता था माइंड से, कि आपको ये जानना है कि जब भी गुणा में रहेगा हमको बराबर जब करेंगे तो बटा में सब हो जाएगा, और नीचे वाला तो आधार बराबर रखना है चूंकि जेड पे ध्यान रखना है, तो जेड यानी कि आपको कैलकुलेशन ये वाला कर लेना है, प्लस वाला आंसर लाना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा 42, फिर से एक बार अगर बता देता हूँ, ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो सभी को के मान लेना, और के यानी कि चार गुना चार पाँच बीस को अलग कर लेना, और जो उधर पावर को उस पर भेज के वन बाय एक्स वन बाय वाई वन बाय जेड कर लेना, और फॉर्मूला में लगा देना ए टू द पावर एम गुना ए टू द पावर एन, बिल्कुल आराम से बनेगा, कहीं कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर। देखिए 43 नंबर सवाल कहते हैं कि कितना आसान है, आप इसको बनाओ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, आपको पिछला पार्ट में आपसे बन जाएगा। ए पर पावर बी लिखा है और कितना लिखा है 125, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये ए पर पावर बी लिखा हुआ है, ये ना लिखा है, तो 125 लिखा है तो इसको भी तो पावर की तरह लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ए पर पावर बी बराबर 5 का क्यू 125। बोला है ए और बी दो घनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए पर पावर बी बराबर 125, तो ए पर पावर बी बराबर दे दिए, अब 5 का क्यू 125 कर दिए, तो जानते हो ये ए यानी कि ये आधार का मान 5 है और बी पावर का मान 3 है, पावर उधर का 3, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बराबर हो गया 5 और बी बराबर हो गया मेरा 3, ये आपको याद रखना है, ये जानना है इस चीज को। अब कहता है क्या कि a माइनस बी पर पावर दिया है आपका a प्लस बी माइनस फोर, ए प्लस बी माइनस फोर इक्वल टू आर, क्या ये चीज आपको नहीं पता कैसे इसको बनाएंगे, a और b का मान रख दो ना, यहाँ 5 रख दो और माइनस 3 कर दो, 5 माइनस 3 और पर पावर 5 प्लस 3 माइनस 4, 5 में 3 जाएगा क्या बचेगा 2, अब 5 3 8 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो 4 2 पर पावर 4 मान कितना होगा, दोगुना 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 दो, दोगुना चार और चार चौक 16 आंसर आपका होगा, 16 एक नंबर आंसर, कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है और इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। देखिए 44 नंबर सवाल की बात करें तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना और बना लेना है। देखो ध्यान से, एम पर पावर एन लिखा है और फिर एन पर पावर एम लिखा है, ठीक है, यानी कि m n n m दोनों ऐसा लिखा है और बराबर आपको दे दिया है 800, ठीक, और फिर बोल रहा है कि n बटा m क्या होगा, और ऑप्शन पे भी ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से भी आपको माइंड में आ जाएगा। ध्यान देखो m n n m लिखा है तो उसी तरह हम इसको लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, अगर हम इसको उस तरह से सोचेंगे समझिएगा, m पर पावर n इंटू n पर पावर m लिख दिए बराबर, अब हम क्या करेंगे, ये 800 है, अगर हम 800 का कुछ भी आप सोच रहे होंगे कि 8 गुना 100, ठीक है 800 हो रहा है, तो ये 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, लेकिन हम इसको 10 का स्क्वायर लिख रहे हैं, ध्यान से देखो अगर हम इसको m मान रहे हैं तो ये मेरा n हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको n मान रहे थे तो n का मान 3 था ना, तो यहाँ 3 तो नहीं आया ना, इसका मतलब हम गलत सोच रहे हैं, ऐसा थिंक नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करें 800 को
चलिए 2 पर पावर 5 रखते हैं 32, ठीक है, और गुना रखते हैं यही 5 को 2 लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 2 ऑप्शन है, 1 2 है, 5/4 है, 1/5 है, ठीक है। चलिए पहले इसको करते हैं, अगर हम 5 4/5 को लेते हैं ऑप्शन, अगर 2 पर पावर 4 रखते हैं तो गुना 4/2 रखना होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं रहा है मेरे साथ। 800 में 2 पर पावर 4 कितना हो गया, 2 4 16, ठीक है, और गुना हो जाएगा यानी कि 4 पे पावर 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर 256 नहीं है। इसका मतलब हमको ऑप्शन से सोचना होगा, और अगर हम 2 पर पावर 5 रखते हैं गुना 5 पर पावर 2 रखते हैं, इसके अनुकूल चल रहे हैं, 2 पर पावर 5 और 5 पे पावर 2 क्या कर रहे हैं, ऑप्शन पे भी ध्यान रखे हुए हैं, ऑप्शन से यहाँ पे सोच रहे हैं। 2 पर पावर 5 कितना होता है 32, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 2 50 की 0 हासिल 5, 25 75 5 80, 800 पूर गया मेरा, ठीक है, और ये 800 पूर गया तो इसका मतलब हम सही लिए। अब ध्यान से देखो, M हमारा कौन हो गया 2 और N कौन हो गया 5। अब देखो यहाँ N हो गया 5, तो यहाँ देखो नीचे N है ना, तो N का मान 5 और M का वैल्यू 2, आपको इसके साथ फॉलो करना है और ये आपको आना चाहिए प्रैक्टिस के साथ। क्या कर रहे हैं, ऑप्शन पे भी ध्यान रखें और 2 पर पावर दोनों में 2 पर पावर 5 और 5 पे पावर 2 देखें। अगर इस तरह से नहीं आता तो फिर कुछ दूसरा सोचते, ठीक है, फिर दूसरा क्या सोचते, 3 पे पावर 5 और 5 पे पावर 3, सॉरी हाँ ऐसा सोचते और देखते 800 आ रहा है कि नहीं, और ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर आ रहा हो तो क्या बोला, एन बटा एम निकाल लेना, तो एन का मान क्या है 5 और एम का वैल्यू क्या है 2, तो 5/2 आपका आंसर क्या नहीं दिया है, तो 5/2 बिल्कुल 4 नंबर आंसर है, आंसर आ गया। है ना आसान, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 के बाद, 45, अगर 45 की बात करें तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। कहता है कि यदि m और n दो पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि m पर पावर n बराबर 121 है, तो m पर पावर अगर n बराबर 121 है तो हम लिख सकते हैं m पर पावर n बराबर 11 का स्क्वायर 121 होता है, m की वैल्यू 11 हो जाएगा और n की वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि m बराबर 11 हो गया और n बराबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि m माइनस वन बोला है और फिर बोला है n प्लस वन, ठीक है, तो m का मान कितना है, m का मान हो गया 11, ठीक है, तो 11 लिख लो और माइनस वन कर लो, और फिर n का मान 2 है प्लस 1 3, 11 में 1 जाएगा 10 पर पावर 3 बराबर 1000 आंसर, 3 0 बैठा दो 1 पे, है ना आसान। तो इस तरह से बना सकते हैं, 45 का 1000 आंसर होगा 4 नंबर। चलिए 45 के बाद 46 देखते हैं, 46 भी वही क्वेश्चन है, यदि m और n दो धन पूर्णांक है, वही कह रहा है, आप क्या कीजिए, जैसे वो बोला m पर पावर n बराबर का मान कितना दिया है आपको 25 दिया है, तो m पर पावर n बराबर 5 का स्क्वायर कर लो, 25 हो गया, m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 2 है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि n पर पावर m क्या होगा, यही बोल रहा है, तो n क्या है मेरा, n पर पावर m बराबर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 कितना होगा 32 आंसर हो जाएगा, है ना आसान, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस आपको सोचना है स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है, जिस तरह का पार्ट इधर रहे उसी तरह का उधर लिखना है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग लिख दो और जिसका जहाँ जिस तरह का जगह पे जो है लिखा हुआ उसका मान ले लो और बैठा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये था आपका 46 47 देखते हैं, 47 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कहता है देखते हैं, 47 की बात करें तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को मेरा देखा होगा तो नहीं दिक्कत होगा। जैसे देखो 5 √5 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंटू हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको हम फॉर्मूला में क्रिएट कर सके, और अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, बाद में बता दूंगा। अब गुना लिखा है 5 पर पावर 3, ओके, उसके बाद दिया है भाग दे दिया है और 5 पर पावर दिया है -3/2, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको वो बोल रहा है कि बराबर दिया 5 पर पावर a + b, ठीक। अब कहता है तो a का मान होगा यदि b बराबर 2 हो, तो a का मान क्या होगा, अब कहता है हमको यहाँ पे a का मान क्या होगा, अब b का मान 2 दे दिया, ठीक है। हमको क्या समझना है, देखो यहाँ पे इंटू लगा हुआ है तो ये लिख सकते हैं 5 × 5/1/2, इसको तो हम बता चुके पहले भी, a पर पावर अगर √a रहता है तो इसको a/1/2 लिखते हैं इस तरह से, तो हम ऐसा लिख दिए। और गुना यानी कि अब देखो यहाँ पे 1 है, a^m गुना a^n क्या सूत्र होता है,
कि ए टू द पावर एम गुना ए टू द पावर एन बराबर ए गुना बोले तो प्लस में बदलता ए पर पावर एम प्लस एन, तो ये दोनों जुट जाएगा तो क्या होगा दो एक दो तीन बट्टा दो हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं पाँच पर पावर तीन बट्टा दो, ठीक है ये दोनों का यूज कर लिए इतना का, और फिर दिया है पाँच पर पावर तीन तो हम इसको भी तो जोड़ ही सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है क्योंकि गुना हमारा जुट जाता है ठीक, और बट्टे कर लो इसको पाँच पे पावर माइनस तीन बटा दो है तीन बटा दो कर लिए, ये तीन बटा दो जब ऊपर जाएगा जो जो भी भाग में होता है तो आपको क्या बताए थे ए टू पावर एम माइनस एन, तो ये जाके माइनस में बदलेगा और ऑलरेडी माइनस और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है तो प्लस हो जाएगा तीन बटा दो कोई दिक्कत नहीं, और क्या करना आप इधर ले लेना पाँच पे पावर ए प्लस बी, ठीक है अब ध्यान से देखो ए का मान या बी का मान दिया था दो दिया था इसका मान और ए का मान चाहिए, तो ध्यान से देखो ये तो हमारा ऊपर चला गया ये हमारा ऊपर चला गया, अब क्या बचा दोनों तरफ पाँच पाँच बचा तीन बट्टा दो और तीन बट्टा दो छः बट्टा दो छः बट्टा दो को दो से भाग दो द्वितीय छः तीन तीन नौ यानी कि ए प्लस दो बराबर नौ, तो ए बराबर नौ में दो जाएगा तो क्या बचेगा सात आंसर है, ए बराबर आपका सात नहीं दिया है कहीं नहीं दिया है, ठीक है यहाँ पे कितना दिया ए का मान दो ए प्लस टू है ना, अगर दो दिए हैं यहाँ पे हम ठीक है ए प्लस टू तीन बट्टा दो छः बट्टा दो द्वितीय छः तीन और तीन छः होगा सॉरी तीन तिया नौ गुना हो गया था सॉरी, तो छः में दो जाएगा तो क्या बचेगा चार आंसर होगा ना, तो चार आंसर हो जाएगा ठीक है, तो आसान है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ईजी ये सब ईजी है बहुत अच्छा है। चलो हम एक बार फिर बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है कि जल्दीबाजी बना देते हैं समझ में नहीं आता हो, लेकिन आपको एक प्रोसेस से बताता हूँ क्या करना है, यहाँ पे जब इनटू लिखा हुआ है तो पाँच गुना पाँच पे पावर हाफ गुना पाँच पे पावर तीन और बटा लिख देना पाँच पे पावर माइनस तीन बटा दो और बराबर लिख देना पाँच ए का मान नहीं पता है ए रख देना बी का मान दो रख देना, उसके बाद आप क्या करना देखो इसके पावर एक है गुना प्लस में हो जाता है तो पाँच पे पावर हो जाएगा आपका ये सब जुट जाएगा एक प्लस एक बटा दो प्लस तीन और ये ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी देखो माइनस है और यहाँ पे ऊपर जाता है कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जाता ए टू द पावर एन एम एन ऐसा रहे तो ए टू द पावर एम ये एन ऊपर जाएगा तो माइनस एन होगा, तो जब माइनस हो रहा होगा तो ऑलरेडी पहले से माइनस तीन बटा दो है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट प्लस लिख रहे हैं तीन बटा दो आपको ये चीज़ समझना है, और बराबर इधर लिखना है पाँच पे पावर ए प्लस टू, ठीक है अब ध्यान से देखो इसको जोड़ लो आप इसको अगर जोड़ोगे देखो दो एक दो और एक तीन तीन बट्टा दो और तीन बट्टा दो ठीक है तीन तीन छः बट्टा दो को भाग दे दो से द्वितीय छः तीन तीन छः ठीक है तो पाँच पे पावर आपका यहाँ पे हो जाएगा छः और बराबर हो जाएगा पाँच पे पावर ए प्लस टू, हमको ए का मान चाहिए तो पावर को बराबर कर लो छः बराबर ए प्लस टू और ए बराबर कर लो छः माइनस टू बराबर फोर, ठीक है तो इजी है आपको प्रोसेस से सिखा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है आप अगर इसको समझ रहे हैं इस तरह से दो का दो एक तीन बट्टा दो और तीन बट्टा दो तो दो दो नीचे जब बराबर रहे तो जोड़ दो छः बट्टा दो और छः बट्टे दो को भाग दे दो ना ऐसे दो तीया छः और तीन तीन छः जोड़ लो, ठीक है चलो इस तरह से बनाना 47 नंबर बन गया। अगला देखते हैं, देखिए 48 नंबर सवाल भी आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो आसान ही है आपसे बनना चाहिए सब क्वेश्चन, देखो लिखा है 27 पे पावर दो बटा तीन तो तीन का क्यू तीन तीन कट जाएगा तीन का स्क्वायर डायरेक्ट लिखे, चलो लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन को समझाने के लिए क्योंकि सभी को समझ में नहीं आता है, 27 पे पावर दिया है दो बटा तीन और गुना लिख दिया है 81 पर पावर लिखा है माइनस एक बटा दो, ठीक और फिर दिया है बराबर दिया है तीन पर पावर एन यही दिया और बोल रहा है कि एन इक्वल टू वाट, हम देख लो यहाँ तीन देखे निम्नतम तीन देखे ना सबको तीन में बदल दो इसको भी तीन में बदल दो तीन का क्यू गुना दो बटा तीन 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 कट जाएगा और गुना इसको भी तीन पे बदल दो तीन पे पावर चार गुना माइनस एक बट्टा दो दो दुना चार कट जाएगा और बराबर तीन पे पावर एन, अब यहाँ पे साफ सुथरा लिख देते हैं तीन पे पावर तीन का स्क्वायर गुना तीन पे पावर माइनस प्लस माइनस यानी कि दो हो जाएगा तीन पे पावर माइनस दो बराबर तीन पे पावर एन, अब इसका सूत्र लगा दो ए टू द पावर एम गुना ए टू द पावर एन सूत्र क्या होता है ए टू द पावर एम प्लस एन तो प्लस माइनस ही हो जाएगा ना तो दो माइनस दो बराबर तीन पे पावर एन, ठीक है अब क्या हो जाएगा तीन पे पावर जीरो बराबर तीन पे पावर एन एन बराबर जीरो माना है आंसर एन का मान था एन ऊपर तो यहाँ जीरो है तो जीरो आंसर है आपका तो दो नंबर आंसर है तो 48 बन गया, चलिए 49 देखते हैं।
देखिए 49 सवाल भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 2 पर पावर x लिखा है, बिल्कुल सही। फिर गुना दे दिया है 8 पर पावर 1/5, बहुत अच्छी बात है। बराबर लिखा है 2 पर पावर 1/5, ये क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे इसको? तो इसमें x की वैल्यू चाहिए हमको ना। हम देखो सभी को 2 में कन्वर्ट करो, इसको भी 2 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर 2 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन? बिल्कुल सही लिखे हैं। अब देखो 2 पर पावर x गुना, हम इसको 2 का q करते हैं, ठीक है। तो 2 का q यानी कि 3/5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब 2 का q कर रहे थे तो ये ऊपर गुना हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 1/5। अब ध्यान से देख लो ये क्या होता है, गुना प्लस में बदलता है ना। लेकिन हमारे जो सभी में 2-2 बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको 2 पर पावर x प्लस 3/5। अब बराबर लिख सकते 2 पर पावर 1/5, हम 2-2 हटा देंगे तो क्या बचेगा मेरा? एक्स प्लस 3/5 बराबर 1/5, ये बचेगा। और अगर हम एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 1/5, ये 1 है, 1/5 माइनस 3/5, 5 एलसीएम ले लो, 5 एक 5 तो माइनस 3, यानी कि यहाँ पे हम आपको और शॉर्ट बताएंगे भी, माइनस 2/5 आपका आंसर हो गया, ठीक। इतना कर लिए, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, ठीक। जब आप जान गए थे कि इस तरह से करने पे हमारा यहाँ पर 3/5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 3/5 आएगा, तो हम जब 3/5 और 1/5, 3/5 उधर जाएगा तो माइनस 3/5 यहीं करेंगे रफली में, तो क्या हो जाएगा 1-3-2/5, तो एक्स बराबर -2/5 बचेगा। तो इस तरह से करना है आपको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना था, या फिर यहीं पर सोचना था कि ये उस पर चला जाएगा तो क्या बचेगा -3/5, और 3 में एक जाएगा तो क्या बचेगा 2/5, और माइनस आंसर होगा, और -2/5 था। तो क्वेश्चन देखने से बनता है, बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो 1/5 है और ये जो 2 का क्यूब किए हैं तो इसके नीचे एक है, तो 3 का 3 3/5, ये चीज को आपको ध्यान में रखना और आपको एक नॉर्मल तरीका से सोच के कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन के 50 नंबर देखिए। 50 नंबर सवाल भी काफी आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि 4 पर पावर 2x दिया है और बराबर आपको दे दिया है 256, ठीक है, ये ना दिया है। आपको क्या करना है, ये 4 के अकॉर्डिंग इसको लिखना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। और x का मान वो मांगेगा ही, तो हम 4 पे पावर 2x तो लिखा हुआ है ही, लेकिन यहाँ पे देखो 16 का स्क्वायर 256 और 4 का स्क्वायर 16, तो यानी कि 4 पे पावर 4 रख दिए, ठीक है। अगर इस तरह लिखने में आपको दिक्कत हो तो 256 का आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 4 बार में लगा देना, 4 6 24, 4 चौक 16, फिर 4 से लगा देना 16 64, फिर से 4 लगा 4 चौक 16, और 1 2 3 4 आया ना, 4 पे पावर 4 रख देना इस तरह से। अब देख लो 4 4 जब बराबर हमारा आधार बेस समान है तो पावर ले लेना 2x = 4, और 2 से कटा लेना 2 2 4 बराबर x = 2 आंसर हो गया। और ये काम आपको यहीं पे सोच लेना था कि अगर ऐसा हुआ तो 2 2 4 कटेगा तो 2 ही मान आएगा x का, तो क्या था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आसान था। चलिए 50 के बाद देखते हैं 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल की बात करें तो क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उसी तरह जिस तरह से 50 बनाए आप। 125 पर पावर लिखा है x, ठीक है, और बराबर लिख दिया है 3125 पर पावर आपको दे दिया है, कुछ नहीं दिया, और बोल रहा है x का मान, ठीक है। दोनों को आप मतलब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल के पावर लगाना होगा, ठीक है। और आपको पता है 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब लिख दो 125, 3 गुना यहाँ पे x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3x, ठीक है। आपको इसको लिखने का एक तरीका होता है इस तरह से, 5 का क्यूब अपर पावर x, और ये गुना होता है आपको बता चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आपको 5 पे पावर 3x, ठीक है, और बराबर ये 3125 किसका होता है, ठीक है। तो ये होता है 4 बार में तो 625 होगा, 5 बार में हो जाएगा 5 पे पावर 5 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब तो ध्यान से देख लो दोनों का आधार 5 हो गया, अब क्या करो 3x और बराबर 5 कर लो, 3x = 5, तो x बराबर क्या होगा 5/3, ये तरीका हो गया, जितना फास्ट आप सोच सकते हो, बस सोचने भर का ही सब चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। देखिए 52 नंबर, अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो ये तो बहुत ईजी है, और कैसे बनाओगे? 5 पे पावर 9 दिया है और माइनस दिया है 3125, ये दिया है, और आपको क्या निकालने बोल रहा है, 5 पे पावर 9 - 3, ये निकालने बोला है। अगर ये बोला है, एक काम करो ऐसा इसको तोड़ लो कि ऐसा इसको लिखो कि ये मान आ जाए उस पर, तो ध्यान से देखो माइनस किसको बताता है, बटे को, हम बता चुके हैं a पर a टू द पावर m
और अगर बटा ए टू दी पावर एन रहे तो क्या लिखते हैं, एम माइनस एन, और अगर कहीं ए टू दी पावर एम माइनस एन लिखा रहे तो क्या लिखते हैं, पर पावर एम बटे पर पावर एन, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, पाँच पे पावर नौ और बटा पाँच पे पावर तीन, इसके अकॉर्डिंग देख लो एम और एन दोनों, और ये माइनस बटा हो गया, इस तरह समझ लो ट्रिक से। अब देख लो पाँच पे पावर नौ का मान कितना दिया, इकतीस सौ पच्चीस, अब पाँच का क्यू कितना होता है, एक सौ पच्चीस, 125 को 3125 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में खाएगा, 25 बार में, तो 25 आंसर हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो यहाँ पे भाग लगाने में तो 5 से लगा लेना पहले, ठीक है, या 25 से लगा लेना, 25 पंच 125 और फिर इसको 25 से कहाँ 25, ठीक है, 6 बचा 62 हो गया, 25 दोनों 50, 12 बचा 125 हो गया, 25 पंच 125, फिर 5 से लगा लेना, 5 दोनों 10 पच्चीस, दो बचा 25 हो गया, 25 आंसर आ गया। तो आप इस तरह भी सोच सकते हो, 125 125 होता है तो ये भी आप जान सकते हो। तो याद रखो सबसे अच्छी बात होगी 125 गुना 25 आपका कितना होता है 3125। आपको ये सब बनाते बनाते सब अभ्यास रहना चाहिए, एग्जाम में आपका फास्ट होगा काम और बहुत फास्ट होगा। चलिए 53 नंबर देखिए, 53 की बात करें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट से नहीं बनता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे आसानी से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, लिखा है एक्स पे पावर 3/2 और माइनस दे दिया है एक्स एक्स वाई पे पावर हाफ, ये दिया हुआ है, और फिर आपको दे दिया प्लस एक्स पे पावर हाफ दिया है और फिर वाई दिया है और फिर दे दिया है माइनस वाई पे पावर 3/2, ये क्वेश्चन है। अब को कहता है एक्स पे पावर हाफ माइनस वन वाई पे पावर हाफ से भाग, इनकी विभाजित किया जाए तो भागफल होगा, विभाजित करने का मतलब हो गया भाग देना है, ठीक है, और किससे देना है एक्स पे पावर हाफ से और माइनस वाई पे पावर हाफ से, ठीक। अब ध्यान से देख लो, जब इससे भाग देना है तो इस तरह का तो ये हमको दिख नहीं रहा, तो उस तरह देखने के लिए हमको क्या होगा, इस पर थोड़ा सा काम करना होगा। और क्या काम करेंगे हम, दोनों से देखो एक्सेस है, इसमें भी वाई वाई है, कॉमन ले लेंगे, अगर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स पे पावर हाफ, आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, बस इसके तरह से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, कैसे ध्यान से देखना। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस दे दिए और इसे वाई कॉमन ले लिए, वाई कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा एक्स पे पावर हाफ और माइनस वन एक बटा दो, ठीक, ये लिख दिए, ठीक है, आपको अकॉर्डिंग चलना उसके अकॉर्डिंग जब भी कॉमन लोगे तो। अब देख लो, अब प्रूव्ड करके दिखाते हैं, इसके ऊपर क्या है एक है ए टू दी पावर एम गुना ए टू दी पावर एन क्या होगा, वन प्लस वन बाई टू, यानी कि एक्स पे पावर वन प्लस वन बाई टू, दो एक दो एक 3/2, देखो 3/2 मिला, फिर अगर एक्स और वाई को गुना करेंगे तो एक्स वाई हाफ हो जाएगा ना, उसी तरह से होता है। आपको ज़्यादा माइंड एग्जाम में नहीं लगाना है, इसके अकॉर्डिंग लिखने की सोचना है, ठीक है। अब जब लिखेंगे तो ध्यान से, कोई भाग है ना, तो भाग है तो दोनों में साथ लगा दो, यहाँ भी लगा दो और इसके साथ भी लगा दो, और यहाँ पे प्लस बीच में लगा दो, एक्स पे पावर 1/2 और माइनस वाई पे पावर 1/2, और यहाँ पे लिख दो एक्स पे पावर 1/2 और माइनस वाई पे पावर 1/2। अब ध्यान से देखो, ये वाला टर्म कट गया, ये वाला टर्म कट गया, तो क्या बचा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई आपका आंसर होगा इसका, है ना, आसान। तो इस तरह से बना सकते हैं 53, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। तो चलिए x प्लस वाई एक नंबर आंसर था, चलिए 54 55 56 तीन क्वेश्चन और बचाए देख लेते हैं। देखिए 54 नंबर सवाल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते तो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं होते इस तरह के क्वेश्चन, बस आपको एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। एक्स पे पावर वाई लिखा हुआ है और बराबर लिखा है वाई पर पावर एक्स, ये लिखा है, और बोल रहा है तो कहता है कि एक्स बटे वाई, मैं इधर लिखता हूँ इसको एक्स बटे वाई, और पर पावर दे दिया है एक्स बटे वाई, ठीक है, ये दिया और बोल रहा है इसका मान क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अगर इस तरह की बात है तो हमको क्या करना है, यहाँ से या तो एक्स या वाई का कुछ मान निकालते हैं। तो ध्यान से देख लो, हम अगर वाई का मान निकालेंगे तो वाई बराबर इधर का वाई निकाले तो इधर का लिख लो एक्स पे पावर वाई और ये बटे यहाँ पे चढ़ा दो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद वाई बराबर एक्स पे पावर वाई और बटे एक्स, ऐसा लिख लेने के बाद y के जगह पे आप ये मान रख लेना। अब देखो ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी है, ठीक है, ये वाला इसके साथ, तो हम क्या करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं, x पे पावर x बटे y, अब बटे लिख दो, y के जगह पे हम x पे पावर y बटे x और गुना, ये इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा x बटे y, x x कट जाएगा y वाई कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ वन है ना, तो वन है तो क्या सूत्र होता है, ए पर पावर m बटे ए पर पावर n, क्या होता है ए पर m माइनस n, यही सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे इस एक को, तो क्या हो जाएगा x पे पावर x बटे y माइनस वन, इस तरह का आंसर है। तो
एक्स बट्टे वाई माइनस वन आपका दो नंबर आंसर है, तो इस तरह से ये बन गया, ठीक है। जब वन बन गया, चलिए अगला क्वेश्चन 55 देखते हैं। देखिए 55 नंबर सवाल, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हो, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में लिखा क्या है, रूट अंडर दिया है 2 पर पावर n दिया है और बराबर दिया है आपको 64, ठीक है। ये दिया है तो कहता है कि n का मान क्या होगा, ये n का मान, एक बात बताओ ये रूट हमारा, जब हम रूट को हाफ लगा सकते हैं कि नहीं, अगर मान लिया रूट है बराबर के उस पार में पावर में हाफ लगाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम ये चीज़ जान गए कि नहीं कि 2 पर यानी कि 2 पर पावर n गुना 1/2 बराबर 64। अब देखो 2 के रूप में लिखना होगा, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितने टाइम 64 होगा, 2 पर पावर 6 64 होगा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ बराबर कर दियो ना, तो लिख दो n बटे 2 बराबर 6, तो n बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 दुना 12 आपका आंसर हो जाएगा, n बराबर 12 आंसर हो गया ना, बिल्कुल आसान था 55। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, लेकिन लास्ट क्वेश्चन 56 नंबर कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है, कोमा दे दिया है और 3 दिया है, रूट 3 ये दिया और फिर बोल दिया है 4√4, ठीक, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना छिपा है, दुख छिपा है ना, तो देखो जब इस तरह का रूट के अंदर रहे ना, जब इस तरह का रूट के अगर अंदर रहे तो आप क्या सोचना कि 2 का 3 का और 4 का पहले एलसीएम निकाल लेना, क्या होगा 12 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालने आता है आप लोग को जल्दीबाजी में, 2 का 3 का 4 का, देखो 3 का टेबल में 4 नहीं आता, 4 दुना 8 लिखना नहीं आता, 4 3 12, ठीक है, तो 3 के 12 2 में 12 4 में 12, इसका मतलब मेरा एलसीएम क्या होगा 12। तो 12 जब हो गया तो यहाँ पे 2 जो है ना मेरा, इस 2 को किससे गुना करके 12 हो जाए, तो 6 से, 6 दुना 12, तो अगर 6 यहाँ पे दे रहे हो तो यहाँ पे देना, ठीक, यानी कि इस करनी के मान को बराबर करना, या 3 है ना तो 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4 दे देना, और या 4 3 12, तो यहाँ पे 3 दे देना। अब इसका मान निकाल लेना, देखो सभी में तो रूट अंडर यहाँ पे करनी 12 हो गया, 2 पर पावर 6 कितना होता है 64 होता है, और 4 3 12 हो जाएगा ये, और 3 पे पावर 4 कितना होता है 3 3 9 81 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट अंडर 12, और 4 पे पावर 3 कितना होता है 64 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें बड़ी भिन्न कौन है, ये बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न ये है, तो इस किससे मान आया, ये 3 वाला मान से आया, तो रूट 3 पे यानी कि 3 और 3 से, यानी कि आप बड़ी भिन्न कह सकते हो, ये वाला बड़ी भिन्न है आपका, बड़ी भिन्न आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं ये, एक्चुअली ये एक अलग से चैप्टर में इसका कवर करूंगा, छोटे छोटे पार्टों में बांट बांट के मैं 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें से आपको ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। सगीर अहमद का एक एक क्वेश्चन बता दिया हूं, अगर आप लोग नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर कर दो यार, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि देखो हम बता रहा हूं, अगर आप शेयर करोगे तो क्या होगा कि वो ऐसे स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी जिन्हें ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा था, और अगर हेल्प आप दूसरों की करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प करेगी, ये याद रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।